बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वन डे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ में बिगिनर है, प्लस वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये असल में काम करता है नहीं करता, इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता. सो स्पेशली फॉर दोज पीपल ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए, और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इस वन डे एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल कर सकते हैं. सो क्या करना होगा ये वन डे एक्सपेरिमेंट में, मेरा एक्सप्लेनेशन शायद लंबा हो सकता है इस वीडियो में, बट वो चीज़ें आपको करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा. सो डोंट वरी कि आपको आप पूरा दिन लगा देना है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी होगी पूरे दिन आपको, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली मॉर्निंग से ही स्टार्ट होगी, जब आपकी आँखें खुलेगी, जब आप उठेंगे तब से आपको ये चीज़ स्टार्ट कर देनी है. सो सबसे पहले जब आप उठेंगे तो आपके फेस पे ब्यूटीफुल सी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, एक स्माइल के साथ आपको उठना है, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, येस्टरडे जो भी हुआ, कुछ अनवांटेड या कोई भी स्ट्रेस है लाइफ में, वापस उठते ही उसके बारे में सोचेंगे, एक एक टाइप की वो अफर्मेशन दे रहे हैं, नेगेटिव टाइप की, है ना. तो उठते ही आपको स्माइल करनी है और थैंक यू बोलना है भगवान को या यूनिवर्स को, मेरे लिए सब कुछ एक ही है. तो आपको उनको ग्रेटिट्यूड, कुदरत को ग्रेटिट्यूड करना है कि आपको एक दूसरा नया दिन मिला, ठीक है. सो नया दिन, नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, ऐसा सोच के आपको दिन की शुरुआत करनी है, ठीक है. अब आगे क्या करना होगा, अब जब आप शावर ले रहे हो, ठीक है, तब आपको कंटिन्यू मतलब पॉजिटिव थॉट्स को ही सोचना है, ठीक है. तो एक वो मैजिकल शावर वाली टेक्निक भी इसमें हो जाएगी, तो आपको उसमें जितने भी टाइम लगे इट विल बी वेरी इजी. आपको अफर्मेशन देनी है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई डिज़ायर के रिलेटेड हो, ग्रेटिट्यूड की अफर्मेशन हो, खुद की आई एम अफर्मेशन हो, या किसी भी टाइप की अफर्मेशन हो पॉजिटिव वाली, वो आपको करनी है और बहुत ही खुश रहना है, अच्छा फील करना है, राइट. तो ये आपका शावर के टाइम, मतलब जब आप फ्रेश होते हो तभी आपको ये चीज़ करनी है. अब उसके बाद ऑब्वियसली हम दिन में कहीं भी जाएं, हम मिरर को तो देखते ही हैं ना, हम रेडी होते हैं और फिर ही कहीं बाहर जाते हैं, राइट. सो अब आपको क्या करना होगा, मिरर में देखते वक्त खुद को आपको एक एग्जैक्ट अफर्मेशन बोलनी है. यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि भाई दीदी क्या बोले, कैसे बोले, आपको एग्जैक्ट बोलनी है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. खुद को देख के स्माइल तो करनी ही है, और आपको अफर्मेशन बोलनी है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम पावरफुल एंड आई एम ब्यूटिफुल, ठीक है. आई एम ग्रेटफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल एंड आज का दिन बेस्ट दिन होने वाला है. टुडे इज गोइंग टू बी बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, या टुडे इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट डे फॉर माई लाइफ, ठीक है. आज के दिन मेरे सारे काम हो जाएंगे, थैंक यू यूनिवर्स. ऐसा बोल के और ऐसा फील करके दिल से फिर आपको अपने काम की शुरुआत करनी है. आप ऑफिस जा रहे हो, या आप यूनिवर्सिटी, या कहीं कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको इस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लेके घर से बाहर निकलना है, ठीक है. अब गाइस, उसके बाद थ्रू आउट योर डे आपको कंप्लेंस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है. किसी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है, ना ही अपने काम के लिए कंप्लेन करनी है, ना ही किसी और के लिए कंप्लेन करनी है, ना ही किसी की बातों को सुनना है जो नेगेटिव है, ठीक है. अगर सुन ले अगर बाय चांस, देन इट्स ओके, आप वापस से अपने काम में लग जाए और उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है. तो ये चीज़ भी आपको पूरे दिन थोड़ी ध्यान रखनी होगी. अब उसके बाद लंच टाइम जब आएगा, ठीक है, जब आप ऑफिस से जहाँ भी आपको जाना है पहुँचेंगे, फिर अपने काम में लग जाइए. फिर पूरा दिन ऐसा भी नहीं है कि एफर्टलेसली आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है. आपको थोड़ा थोड़ा करना है टाइम टू टाइम, ठीक है. तो अब जब आपका लंच टाइम होगा, अगर आप ऑफिस में लंच कर रहे हो, घर पे लंच कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, तो अब आपको सिर्फ एक मिनट मन में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कि आपके पास फूड है, थैंक यू बोलना है, ठीक है. जिस तरह से आप अपनी वो प्रेयर जो भी करते हो अपने हिसाब से करें, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड दिल से बोलना है यूनिवर्स को, ठीक है. एंड गाइस, ये सारी चीज़ें जो आप आपके दिन में कर रहे हो, तो वो आपको अपने माइंड में और दिल से करनी है, अपने मन में करना है. सो डोंट वरी कि भाई कोई दूसरा देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, बोल रही है. All you have to do is, you know, inner work, ठीक है, अंदर ही ये सब कुछ feel करना है, ठीक है. तो अब बात करते हैं शाम के वक्त के बारे में, मतलब कि अगर आप शाम को return आ रहे हो घर पे, या जो भी आप काम कर रहे हो, तो बीच में आपको दो मिनट निकाल के सिर्फ आपको कोई हैप्पी म्यूजिक सुन लेना है, जो आपका फेवरेट म्यूजिक है, या कोई affirmation का कोई वीडियो है यूट्यूब में जिससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. तो ऐसा कुछ आपको 5-10 मिनट निकाल के वो चीज़ को करना है, क्योंकि पूरे दिन में म्यूज़िक इतना ज़्यादा उसमें हीलिंग पावर होता है ना. तो आपको एक सूदिंग सा, अच्छा सा, हैप्पी वाला म्यूज़िक सुनना है. वापस से अपनी वो जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट होगी, जो सैड सॉन्ग्स वाली, वो मत सुन लेना. आपको एक बहुत ही हैप्पी सॉन्ग सुनना है, जो आपका अच्छा है, मतलब आपका फेवरेट है, वो सुन लेना है.
तो उससे क्या होगा कि आपके आपका एक स्ट्रेस जो अगर होगा ना काम का या पूरे दिन का जो कोई थकान होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। म्यूजिक से वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए आपको म्यूजिक सुन लेना है। आप ज़्यादा टाइम भी सुन सकते हो, लेकिन अगर नहीं टाइम है आपके पास तो इवन 5-10 मिनट आप सुन लें, ठीक है। तो आपको म्यूजिक सुनना है, ठीक है। अब उसके बाद रात को वापस वही, जब भी आप डिनर कर रहे हो तो वापस वही चीज़ आपको करनी है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, और जस्ट बहुत ही खुश हो के वो चीज़ जो भी मील आप ले रहे हो उसको एनर्जाइज करके उसको खाना है, ठीक है। और यही फील करना है कि इससे मुझे इतना पावर मिल रहा है ना कि मैं सारे डिज़ायर्स को यू नो फुलफ़िल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। और इसके अलावा थ्रू आउट द डे जब भी आपको 1-2 मिनट का टाइम मिले, आपको याद आ जाए, तो सिर्फ आपको यू नो एफर्मेशन बोल देनी है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। आप या आप अपने डिजायर से रिलेटेड एफर्मेशन बोल सकते हो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, या यू नो आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग लव, जो भी एफर्मेशन आप बोल रहे हो, जो भी याद आए, जो भी आपको बोल रही हो वो बोल सकते हो, उसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जब रात का जो नाइट रूटीन है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोने से पहले भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश और पॉजिटिव माइंड के साथ सोना चाहिए, है ना। तो उठने के बाद सोने से पहले दोनों टाइम अगर आप अच्छे रहे ना तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है, ठीक है। सो सोने से पहले अब आपको क्या करना होगा, सोने से पहले आपको जर्नल करनी है, मतलब कि ग्रेटिट्यूड जर्नल, स्क्रिप्टिंग उस पर ऐड हो सकती है, तो वो लिखना है आपको अभी, ठीक है। अगर आपके पूरे दिन में कुछ अच्छी चीज़ हुई तो उसको आप लिखिए, कभी आज ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशन लिख सकते हो, या आप सिंपली आई एम एफर्मेशन को भी लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम पावरफुल, है ना, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनर्जेटिक, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड को तो आप लिख ही सकते हो ना, कि थैंक यू फॉर दिस डे, Tomorrow is going to be well and you know beautiful, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना है जो लिखते वक्त आपको अच्छा फील हो, है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ ये चीज़ करनी है, ठीक है। और साथ में अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो वो भी सुन सकते हो, क्योंकि नाइट में भी अगर आप म्यूज़िक सुन के और थोड़ा ये स्क्रिप्टिंग वगैरह करके सोएंगे तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड स्पेशली, वो ये चीज़ों को यू नो सेव करता है, धीरे धीरे वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी और वो रिप्रोग्राम होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ करके फिर आपको सो जाना है। और अगर आप आपका कोई रूटीन ऑलरेडी चल रहा है तो एक दिन स्किप करके ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, या आप उस रूटीन को रिचुअल कोई कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करके फिर एक दिन आप इस एक्सपेरिमेंट को करने कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, है ना मज़ेदार एक्सपेरिमेंट, एक दिन करके तो देखो, पूरा दिन आपका अगर बेस्ट ना हो तो आप मुझे बोलना, इट विल बी सो वंडरफुल, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगी, रात को आपको इतनी अच्छी नींद आने वाली है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो डेफिनेटली ये एक दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि दूसरे दिन भी आप एक्सपेरिमेंट करो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, बिकॉज आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो बस यही चीज़ों को आपको समझना है, सिंपल सा ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक रूटीन है, एक दिन करके देखना, मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताना, मुझसे शेयर करना कि क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको पूरे दिन में, ठीक है। सो कंप्लेन नहीं करनी है, पूरे दिन खुश रहना है, और ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको थोड़ा टाइम टू टाइम कर लेना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। सो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।